ऐसा है, हमारे सिंगर चल रहा है, ना कोई धमा ना कोई प्रदर्शन कुछ नहीं, बस ये है जो नेता लोग भड़का योगी मोदी नहीं रहेंगे तो इंडिया को तो बहुत बचाए, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान करना महाराज जी, आपका ये पोस्टर जलाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, कुछ ऐसे सत्ता विरोधी हैं जो सत्ता विरोधी ही नहीं देश विरोधी है, जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, इनका हमेशा जो है भड़काऊ बयान आता है कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा। संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की जो लोग बात कर रहे हैं, इससे जो है लोगों के अंदर आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही है। जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में एक कन्हैया टेलर हिंदू की दो मुसलमानों ने, जिनका तार जो है पाकिस्तान आतंकवादियों से जुड़ा था, निर्मम और नृशंस हत्या किया, और उसको लेकर के जिस तरह से लोगों ने खामोशी बरती, कोई भी क्राइम होता है, अपराध होता है, उसके विरोध में एकजुट हो करके, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विरोधी हैं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। क्राइम के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका विरोध हम करेंगे। और जिस तरह से हमने ये भी देखा कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, वैसे तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, ये लोग अगर कहीं अन्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सत्ता नहीं हो, अगर चींटी भी कहीं काट ले तो इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां न तो प्रियंका वाड्रा जा रही हैं, न राहुल जा रहे हैं, न सोनिया गांधी जा रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि अगर क्राइम करने वाला मुसलमान है तो चाहे वह जो है आतंकवादी हो, चाहे जिहादी हो, चाहे लव जिहाद करने वाला हो, उसके खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया है। ये गलत है, जो देश विरोधी ताकते हैं उनका विरोध सबको करना ही चाहिए। और AIMIM का प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, लगातार इनका भड़काऊ बयान आता है, इसलिए आज हमने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हमने पोस्टर जलाया है। और जो भी देश विरोधी नेता हैं वो औकात में आ जाएं, अगर देश के विरोध में भड़काएंगे तो आज पोस्टर जलाया हूँ, वो दिन दूर नहीं होगा जब उनको भी जलाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।